नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। सीतामऊ सुभाषरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के राजनीतिक में आने पर एक सपना रहा है कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक किसान के खेत पर चंबल मैया का पानी पहुंचे, जिससे क्षेत्र के किसान उन्नति कर खुशहाली से जीवन बिता सके। अपने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मंत्री श्री डंग लगातार प्रयासरत रहे और इस योजना को लेकर किसानों के मन में भी उत्साह रहा है। इसी योजना को धरातल पर क्रियान्वयन के लिए हमेशा विपक्ष के निशाने पर भी रहे, लेकिन श्री डंग की लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अर्जी कर प्रयास सफल रहे। मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाजी के भक्त श्री डंग का वर्षों पुराना सपना साकार करते हुए 2375 करोड़ की कायमपुर सीतामऊ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसकी स्वीकृति के साथ ही श्री डंग के विपक्षी हमलों को एक करारा जवाब भी मिल गया। वहीं इस योजना के स्वीकृति मात्र से किसानों के चेहरों पर एक अलग ही उत्साह, एक झलक दिखाई देने लगी है। वहीं इस योजना के सफलतापूर्ण होने पर क्षेत्र के किसानों का उन्नति एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। सिंचाई योजना स्वीकृत होने पर मंत्री हरदीप सिंह डंग जोगड़िया माता जी पहुँच कर चंबल मैया की पूजा अर्चना कर विशाल रैली निकाली गई। सीतामऊ में हरदीप सिंह डंग को अंगूर से तोला गया। रैली में किसानों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।